दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस के एक न्यूमेरिकल के बारे में। जो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस सिस्टम होता है उसका एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं, जब एक ही पॉइंट पे काफ़ी सारी जो फोर्सेस हैं वो मीट करें जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है। जैसे कि ये मान लीजिए वन फोर्स है, ये सेकंड फोर्स है, ये थर्ड फोर्स है, ये फोर्थ फोर्स है, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है वो मीट करती है, तो इस तरह की फोर्सेस को हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। अगर ये एक ही प्लेन में लाई करें यानी कि सेम प्लेन में लाई करें तो इनको हम बोलते हैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, और जो ये पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो इस तरह से जो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस हैं आप उसको समझ सकते हैं। तो इसका जो न्यूमेरिकल है रेगुलर हेक्सागन का हम इसको समझते हैं। तो इस तरह का अगर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हो रेगुलर हेक्सागन का तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इस तरह के न्यूमेरिकल के अंदर आपको इसको इसका जो इंटीरियर एंगल निकालना पड़ता है, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो कितना है, यानी कि ये जो है ये एंगल कितना है। तो उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हर एक फोर्स का एंगल निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको फोर्स दी है एक इस तरह की फोर्स दी है जो ए और सी को कंबाइन करती है, और एक इस तरह की फोर्स दी है जो ए और डी को कंबाइन करती है, एक इस तरह की फोर्स दी है जो ये बिल्कुल ए और ई को कंबाइन करती है, और ए और एफ को कंबाइन करती है, एक इस तरह की फोर्स दी गई है। तो मान लीजिए ये जो फोर्स है ये P1 है, ये जो फोर्स है ये P2 है, ये जो फोर्स है ये P3 है, और ये जो फोर्स है आप इसको मान लीजिए ये P4 है। तो इस तरह से आपको फोर्सेस दी गई हैं। अब यहाँ पर भी मान लीजिए कि कोई यहाँ पर भी फोर्स है, मान लीजिए ये P5 है। तो इस तरह से आपको फोर्सेस दी गई हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, क्योंकि हम जब भी कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज का न्यूमेरिकल करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या निकालना होता है, रिजल्ट निकालना होता है और अल्फा निकालना होता है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ये होता है समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। और जो टेन अल्फा होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है समेशन एफ वाई डिवाइड बाई समेशन एफ एक्स। तो ये होता है आपका जो टेन अल्फा का फॉर्मूला है, यहाँ से आप अल्फा निकालते हैं। तो आप इसके अंदर करते क्या हैं, इसके अंदर जो प्रोसीजर है वो क्या है कि जितनी भी फोर्सेज हैं उनके आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए P1 है इस तरह से है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा क्योंकि ये इंक्लाइंड है, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो कोस थीटा, थीटा यानी कि जो यहाँ पर होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हमें थीटा नहीं पता कि ये थीटा है कितना। अब ये थीटा हम देखते कहाँ से हैं, जो ये एक्स एक्सिस है पूरा यहीं से हम देखते हैं कि ये जो थीटा है वो कितना है। इसी तरह से जो ये सेकंड फोर्स है यहाँ तक का हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, इसी से थर्ड का, इसी से फोर्थ का। तो थीटा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमें थीटा नहीं दिया हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप क्या करेंगे कि इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है जो रेगुलर हेक्सागन का वो किसके बराबर होता है। अगर आप इसको लिख लें यहाँ पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन, जो ये इस तरह की हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन, तो ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है, आप ये जो टर्म है ये याद रखिएगा, ये हमारा होता है 2n-4 इंटू इसके इंटू राइट एंगल। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है राइट एंगल, राइट एंगल आप इसको लिख सकते हैं यानी कि ये होता है 90। तो राइट एंगल जो हमने लिखा ये, इसको हम 90 लिख सकते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन किसके बराबर है, 2n-4 इंटू राइट एंगल, तो ये इसके बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब हमें जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है रेगुलर हेक्सागन का वो निकालना है कि वो है कितना। अब यहाँ पे देखिए कितनी साइड है, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड, तो यहाँ पे कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है तो इसकी 6 साइड है, तो एन को यहाँ पे आप 6 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 6 - 4, तो ये आ जाएगा, एन की जगह आपने क्या किया 6 पुट कर दिया, और जो ये राइट एंगल आपने क्या लिख सकते हैं, इसको 90 लिख सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 × 2 = 12, 12 - 4 = 8,
एट इंटू नाइन यहाँ पे आ जाएगा 720 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आया इस फॉर्मूला से, कितनी साइड थी, 6 आपने पुट की, उसके बाद इसको सोल्व किया तो 720 डिग्री आया। अब 720 डिग्री क्या है, आपकी 6 जो आपने सारे जो साइड ली हैं, 6 साइड ली हैं, तो अगर आप क्या करें इनमें से ईच का निकालना चाहे, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा आपका, तो 6 साइड हैं तो आप इसको 720 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ये जो आएगा 120 डिग्री, ये आएगी वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, यानी कि ये क्या है, ये जो एंगल है ये क्या है, 120 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है साइड के बीच का एंगल है 120 डिग्री। अब देखिए जो 120 डिग्री है ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक। अब आपने इसको कितने भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 4, तो अगर आप 120 को 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो एक एंगल कितने का आता है, 30 डिग्री का आता है। तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा, अगला भी जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 30, ये भी 30, अगर यहाँ से देखेंगे तो 60, इसी तरह से ये भी 30 होगा, और यहाँ से जब आप देखेंगे तो 60 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह ये यहाँ से आप यहाँ तक का देखेंगे, इसी एक्सिस से हम सारे एंगल माप रहे हैं, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 60, यहाँ से यहाँ 90, और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो हर एक जो एंगल है 30 30 30 30 का है, तो 30 यहाँ तक दूसरी फोर्स का, ये 60 हो जाएगा क्योंकि ये इससे मिला हुआ है, तीसरी इससे मिली हुई है, तो यहाँ तक 90 देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर है 90, और फिर यहाँ से यहाँ तक का फिर 30 ऐड कर देंगे 90 में, 120। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पहले तो एंगल निकाल लेंगे सारे। तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से एंगल निकाल सकते हैं 2n-4, और जो ईच साइड है वो ईच का इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे जो 120 आएगा, फिर उसको आप जो जो फोर्सेस आपको दी गई हैं उसमें आप डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया, अब उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपके पास, एक तो है समेशन एफ एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक समेशन एफ वाई का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको एफ एक्स चाहिए और एफ वाई चाहिए रिजल्टेंट निकालने के लिए और टेन अल्फा निकालने के लिए। तो एफ एक्स क्या है कि सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर दें आप, हर एक फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर दें। जैसे कि मान लीजिए ये पी वन है, तो पी वन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, पी वन कोस अल्फा वन, यानी कि पी वन कोस जो थीटा वन भी आप ले सकते हैं जो कि है 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो पी वन कुछ भी फोर्स आपको दी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी वन कोस जो आपका ये आएगा ये क्या आएगा, 30 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर देंगे सबसे पहले, फिर प्लस प्लस, अब पी टू, ये पी टू है तो पी टू के साथ क्या आएगा, यहाँ का एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो पी टू की वैल्यू भी आपको कुछ भी दी होगी, तो पी टू कोस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से पी थ्री के साथ क्या आएगा, प्लस पी थ्री इंटू क्या आ जाएगा, जो कोस है यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह पी फोर के साथ क्या आ जाएगा, पी फोर कोस 120 डिग्री आ जाएगा। और अगर पी फाइव की बात करें जो कि ये फोर्स है, तो इसके साथ क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए ये तो सीधा ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पी फाइव, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस जैसे पी थ्री करेंगे पी फोर करेंगे प्लस पी फाइव, तो सिंपल आ जाएगा, इसके साथ कोई एंगल नहीं आएगा क्योंकि ये तो खुद ही हॉरिजॉन्टल है। और अगर आप क्या करते हैं पी फाइव कोस जो है आपका जो एंगल है कोस जीरो करते हैं, तो कोस जीरो भी क्या होता है, वन होता है, तो आप डायरेक्टली इसको पी फाइव लिख सकते हैं, या पी फाइव कोस जीरो लिखेंगे तो कोस जीरो क्या होगा, वन होगा, तो पी फाइव ही आ जाएगा, तो आप कोस जीरो भी लिख सकते हैं, इसके साथ कोस जीरो की वैल्यू वन आ जाएगी और ये पी फाइव रह जाएगा। तो इस तरह से एफ एक्स के सारे कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो ऐड कर लेंगे आप, इसी तरह से एफ वाई के कर लेंगे आप, एफ वाई में क्या आएगा, यहाँ कोस की जगह सिर्फ साइन कंपोनेंट आ जाएंगे, इस पी वन के साथ साइन 30, पी टू के साथ जो भी एंगल बन रहे हैं साइन 60, इसी तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पी फाइव के साथ क्या आएगा, जो आपका पी फाइव है
तो पी फाइव क्या जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, तो अगर आप पी फाइव क्या लिखते हैं जो आपका साइन जो है यहाँ पे, अगर आप कंपोनेंट बनाते हैं साइन जीरो, तो पी फाइव का तो क्योंकि एंगल जीरो है तो पी फाइव साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो तो जीरो ही है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि पी फाइव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका वर्टिकल है ही नहीं, तो इसके अंदर जो पी फाइव का कंपोनेंट है वो रहेगा जीरो। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, पी फाइव के साथ साइन जीरो भी लगा सकते हैं, या पी फाइव को सीधा आप दिखा सकते हैं कि है ही नहीं वो कंपोनेंट, तो यहाँ पे जीरो रहेगा। बाकी सारी जो है पी वन पी टू पी थ्री पी फोर, देखिए पी थ्री जो है इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका आएगा ही। तो इस तरह से पी वन पी टू पी थ्री पी फोर क्या है, ये आपके पास आ जाएगा सारे कंपोनेंट इसके अंदर जो आपके वर्टिकल हैं। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग अलग कर लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे, तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, समेशन एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको टेन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह के अगर कोई आपके पास रेगुलर हेक्सागन हो, उसके पहले आपको एंगल निकालने होते हैं, एंगल निकालने का फॉर्मूला हमने ये देखा, उसके बाद हम क्या करते हैं उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं और जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद उनको इन फॉर्मूलाज में पुट कर देते हैं, और जो आपकी वैल्यूज़ हैं जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू है वो आ जाती है, और जो इंक्लिनेशन है यानी कि जो अल्फा है जो रिजल्टेंट का विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस इससे वो आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।